असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज डिफाइनिंग लिटरेचर मी जे गनराज इन लिटरेचर लेक्चर नंबर वन है हमारा और सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपको पढ़ के बहुत मज़ा आएगा और मुझे पढ़ा के बहुत मज़ा आएगा हम इस सब्जेक्ट को लेक्चर वाइज डिस्कस करेंगे मतलब फ़र्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर एंड थर्ड लेक्चर इस तरह लेक्चर वाइज डिस्कस करने वाले हैं और जो हमारा सब्जेक्ट लिटरेरी स्टडीज़ वो क्या है जैसे कि नेम इट्स इंडिकेट कर रहा है इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ लिटरेरी स्टडीज़ कहते हैं वो स्टडीज़ जो कि लिटरेचर की बेसिक स्टडीज़ होती हैं जैसे कि लिटरेचर क्या होता है उसके यानराज कौन कौन से हैं उनको कितने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया हुआ है ड्रामा क्या है पोइट्री क्या है प्रोज क्या है और इसके अलावा जितने फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स ये सब के सब फॉल करते हैं लिट्रेरी स्टडीज़ के अंदर इन शॉर्ट बेसिक्स लिटरेचर को पढ़ने की जो बेसिक्स होती हैं वो सबके सब आती हैं लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर क्लियर तो मैं प्रॉपर एक प्ले बना दूंगी वो प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लिटरेरी स्टडीज़ के सब के सब लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं एनी हाउ आज का लेक्चर डिफाइनिंग लिटरेचर मेजर यानराज इन लिटरेचर अब लिटरेचर क्या होता है क्योंकि अभी आप नए नए बच्चे हैं नए नए इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड के अंदर आए हैं तो आपसे हर कोई पूछेगा जी व्हाट इज़ लिटरेचर लिटरेचर क्या है हमसे भी पूछा था आपसे भी पूछेगा तो लिटरेचर होता क्या है आप जब इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो आपको बुक्स दी जाती हैं उनमें कुछ नॉवल की बुक्स होती हैं कुछ पोइट्री की बुक्स होती हैं कुछ प्रोज़ की बुक्स होती हैं कुछ ड्रामा की बुक्स होती हैं कुछ प्ले कुछ प्रोज मतलब सो so ऑन बड़ी सारी बुक्स होती हैं और हम क्या कर रहे होते हैं उसके अंदर हम उसके अंदर लाइफ को देख रहे होते हैं ठीक है थीके? हम पढ़ते हैं एक कहानी है टेस की टेस एक लड़की थी उसको सोसाइटी ने भी छोड़ दिया उसको उसके हस्बैंड ने भी छोड़ दिया थ्रू एंड थ्रू उसको सफरिंग फेस करना पड़ी सो ऑन और यही चीज़ जो है एक रियल लाइफ में भी होती है फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और स्टोरी है वो भी एक पर्सन के अबाउट है थ्रू एंड थ्रू सारी उसकी लाइफ हिस्ट्री को वहाँ पर डिस्कस कर दिया गया वही चीज़ हम लोग लाइफ में भी देखते हैं तो लिटरेचर क्या होता है लिटरेचर है मिरर ऑफ लाइफ ठीक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट के टेक्स्ट के थ्रू लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज नोन एज लिटरेचर बड़ी डेफिनेशंस आपको मिलेंगे लिटरेचर के बारे में लेकिन ये जो है ऑथेंटिक वन है ऑथेंटिक किस तरह से क्योंकि सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद जब हमारे पास एक कंक्लूड क्वाली डेफिनेशन आती है दैट वन इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ थ्रू टेक्स्ट के टेक्स्ट के जरिए जब लाइफ को रिप्रेजेंटेशन किया रिप्रजेंट किया जाता है दैट इज लिटरेचर लिटरेचर हम लोगों को एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करती है एस्थेटिक प्लेजर क्या होता है प्लेजर हम लोगों को पता है खुशी को कहते हैं और एस्थेटिक मतलब कि हम लोगों को अंदरूनी सेटिस्फैक्शन मिलना इनर सेटिस्फैक्शन मिलना हम अगर एक मूवी देख के रो रहे हैं तो वो भी हमारा एस्थेटिक प्लेजर है ठीक है हमने एक ट्रेजेडी देखी ट्रेजेडी देखकर हम लोग रोए तो वो भी काइंड ऑफ एस्थेटिक प्लेजर होता है क्योंकि ट्रेजेडी का पर्पज ही यही था कि आपको रुलाए हमने कॉमेडी देखी हम कॉमेडी देख कर हंसे और अगर हम हंसे इट मीन्स वो भी हम लोगों को एस्थेटिक प्लेजर मिला ठीक है तो एस्थेटिक प्लेजर क्या होता है कि जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना आपको वो मिल जाना और लिटरेचर आपको एस्थेटिक प्लेजर प्रोवाइड करता है लिटरेचर जो है ये मीनस ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है ये लोगों को अपने आइडियाज़ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए अलाउ करता है कि लोग लिटरेचर के थ्रू अपने आइडियाज़ अपने एक्सपीरियंस अपने इमोशंस शेयर करते हैं ये लीडर को एंटरटेन करता है एजुकेट करता है इंस्पायर करता है चैलेंज करता है लिटरेचर हम लोगों को हमारी खुद की सेल्फ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है लिटरेचर के थ्रू हम लोग डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स जो डिफरेंट कंटम्प्रेरी सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्लियर ये सेल्फ डिस्कवरी में हमारे लिए हेल्पफुल होता है क्लियर कि लिटरेचर क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ है थ्रू टेक्स्ट यानी कि ये रिटर्न फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है और इसके थ्रू इसके फंक्शंस क्या हैं हम कम्युनिकेशन करते हैं ये लोगों को उनके आइडियाज़ उनके एक्सपीरियंस उनके इमोशन शेयर करने में हेल्प आउट करता है उनको इंटरटेन करने में उनको एजुकेट करने में उनको इंस्पायर करने में हेल्प आउट करता है इसके अलावा हमने बात की कि हमारी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है और इसके अलावा हमने बात की थी कि जितने भी हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं डिफरेंट कल्चर्स हैं कंटेप्रेरी सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको भी हम लोग लिटरेचर के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं लिटरेचर हम लोगों को सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प आउट करता है और इन शॉर्ट लिटरेचर जो है वो हमारी सबकी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लियर लिटरेचर क्या है अब तो आपको पता लग गया होगा लिटरेचर क्या है उसका फंक्शन क्या होता है अब यज ऑफ लिटरेचर क्या है यनरा कहते हैं एक स्टाइल को एक कैटेगरी को एक टाइप को फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ए है दूसरे स्टूडेंट्स बी हैं तीसरे सी हैं यानी कि हमारी क्लास में तीन गैनरा हो गए ठीक है तीन टाइप्स हो गई क्लियर इस तरह से ही जो लिटरेचर है वो बहुत ब्रॉड फील्ड है बहुत ब्रॉड ठीक है हम लोगों ने उस ब्रॉड को इन पार्ट्स डिवाइड कर दिया एक टुकड़ों में बांट दिया ताकि हम लोग उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें ठीक है ए ग्रुप बना दिया बी ग्रुप बना दिया सी ग्रुप बना दिया और ए ग्रुप के अंदर हमारे पास आ गया जी नोवेल दूसरे में आ गया पोइट्री तीसरे में आ गया ड्रामा ठीक है ये सारे क्या हैंनरा बेसिकली कहते हैं एक स्टाइल और कैटेगरी को ठीक है क्या होता है एक स्टाइल या कैटेगरी और यह टाइप को हम लोग यनरा कहते हैं और अगर हम एनरा ऑफ लिटरेचर की बात करें तो हमारे पास देर आर वेरियस एनराज जिसमें हम कहते हैं पोइट्री भी एक यानरा है ड्रामा प्ले भी एक है ऐसे भी एनरा है शॉर्ट स्टोरी भी एनरा है नॉवल कॉमेडी ट्रेजिडी एपिक पोइट्री थ्रिलर साइंस फिक्शन सो ऑन ये सब के सब यानरा हैं हमारे पास जो मेजर यनराज हैं ना लिटरेचर के अंदर वो है ड्रामा फिक्शन पोइट्री प्रोस ये चार जो है हमारे मेजर यानराज इन लिटरेचर हैं मेजर यानराज इन लिटरेचर जिनमें से हम लोगों ने पोइट्री एंड प्रोस को इन डिटेल डिस्कस करना है क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर ये दो मैंशनड हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्रामा एंड फिक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे वो सुतेले हैं नहीं हम उनको भी डिस्कस करेंगे लेकिन अपने जो कॉन्टेंट्स हैं उनको फॉलो करते हुए वन बाय वन लेक्चर्स के अंदर और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बात करेगा प्रोज के बारे में ठीक है प्रोज एज मेजर यानरा इन लिटरेचर कि प्रोज क्या है उसके टाइप्स कौन सी हैं उसको डिस्कस करने वाले हम लेक्चर नंबर टू के अंदर क्लियर लेक्चर नंबर वन था डिफाइनिंग लिटरेचर मेजर यानराज इन लिटरेचर जिसमें हमने बात कर लिटरेचर क्या होता है उसका फंक्शन क्या है यानरा किसे कहते हैं और यानरा इन लिटरेचर्स कौन कौन से होते हैं क्लियर हो गया आपको तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी काफ़ी आपको मज़ा भी आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में सब्जेक्ट को पढ़ने में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजर यानरा प्रोस ठीक है प्रोस को डिस्कस करने वाले हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक भी करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और स्टे ड्यून विद अस हमारे साथ रहिएगा क्योंकि अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखेंगे तो आपको लिटरेरी स्टडीज पे ऐसा कमांड हो जाएगा कि एथ सेमेस्टर तक आपके एम तक आपके पी तक जितने भी लिटरेरी टर्म्स आने वाली हैं आपको उनके ऊपर अच्छे से ग्रिप हो जाएगी सो so, दुआ में खास याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़